Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and designing is all about dreaming. So be an I-Fight. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. Sorry, 27 April 2018 को भारतीय बाल विद्या भवन के प्रांगण में बच्चों की सुरक्षा का कार्यक्रम ये उड़ान जन कल्याण सेवा समिति सहारा के माध्यम से संचालित किया गया है। आज विद्यालय में ये चाइल्ड कोऑर्डिनेटर मैडम ऋतु वर्मा यहाँ उपस्थित हुई हैं और उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के बारे में काफ़ी प्रकाश डाला है। बच्चों को सभी को एकत्रित करके और क्लास इसमें लॉबी में बैठा करके इनको सचेत और मतलब उनको सुरक्षा के बारे में जागरूक करने का उन्होंने जो है एक सूत्र बताया है। और मेरा भी सुझाव है कि ये बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक और सारे स्टाफ को सचेत रहने की आवश्यकता है। अबोध बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, यहाँ पर सब मतलब एकत्रित होते हैं। हमारा उद्देश्य जो है संस्कृति और संस्कार देना हमारा परम कर्तव्य है। विद्यालय का उद्देश्य है कि जो भी हमारी भावी पीढ़ी इस विद्यालय से निकले तो एक संस्कृत और संस्कारवान मतलब जो है श्रेणी का जो है यहाँ से नागरिकता मतलब वो प्राप्त करे और उसे सारी जो है इस तरह की हिदायतें दी जाएँ कि आगे आने वाले समय में हमारे प्रदेश के लिए एक नागरिक के रूप में एक अच्छे नागरिक के रूप में वो प्रस्तुतिकरण हो। इस तरह की भावनाओं के साथ मैं जो है निवेदन करता हूँ, फिर मैं एक बार फिर आगे करता हूँ कि सारा स्टाफ जो है बच्चों के प्रति सजग रहे। आज भारतीय वालिदैन स्कूल के अंदर छोटा सा एक प्रोग्राम रखा गया जिसके अंदर हमारे कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की किसी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, उनकी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके हम उनको आगे एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हमारे स्कूल में एक मैडम आई हैं ऋतु मैम, जो कि 1098 के बारे में बच्चों को सजग कर रही हैं कि चाइल्ड सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप 1098 पे कॉल करके अपने को सेफ कर सकते हैं। ये हमारे स्कूल के एक पेरेंट्स हैं मिस्टर अनिल शर्मा जी, जिन्होंने जब उनको पता पड़ा कि ऐसा हुआ है तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई, उनकी दो बच्चियाँ ऑलरेडी मेरे स्कूल में पढ़ रही हैं तो उन्होंने इच्छा जताई कि मैं एक बच्ची की पूरी फीस बुक्स कॉपी किताब बुक्स का और आपका फीस का पूरा खर्चा मैं ही लूँगा। तो उन्होंने बाय चेक स्कूल को वो भेंट करा है, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज उनको हम अपने उड़ान जन कल्याण समिति और स्कूल के मेन अध्यक्ष श्री कुशपाल शर्मा जी के द्वारा उनका सम्मान करा जाएगा। यहाँ जो चाइल्ड अभियान चलाया जा रहा है जिसके बारे में बच्चों को समझाया जा रहा है कि चाइल्ड लाइन जो भी खोली गई हैं, ये जो वुमेन्स को जो हेल्प करने के लिए लाइंस बनी गई हैं उनसे हमें कैसे हेल्प मिलेगी और कुछ नंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सोसाइटी भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो रही है और जो गर्ल्स मतलब इतना डिमोटिवेट हो रहे थे उनको मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग चाइल्ड लाइन के बारे में और बच्चों के साथ जो अगर देखा जाए तो कितने सारे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के साथ रोज़ कुछ ना कुछ। अगर आप न्यूज़पेपर उठाते हैं तो आज 5 साल की लड़की के साथ, आज 11 साल के बच्चे के साथ ये डेली हो रहा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आज हमने जो बेस रखा है वो उसी का रखा है कि जो लैंगिक अपराध जो बढ़ते जा रहे हैं उनसे बच्चों को जानकारी मिले जिससे बच्चे अवेयर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी प्राप्त होंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सर ये बहुत ही अच्छा काम है कि लड़कियों को जागरूक किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से जो प्रमोट किया जा रहा था आज उन्होंने सार्थक कर दिखाया। जो उड़ान से जो अजय चाहर जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे यहाँ आके जानकारी मिली तो आई एम वेरी प्राउड। देखिए ये एक इंस्पायरेशन है, मैं एक्चुअली अपनी सोशल साइट सोशल मीडिया आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं देखता था कि ये मेरे भाई ये दो लोग करते थे तो मुझे लगता था यार कुछ करना चाहिए, चलो ठीक है अब ऊपर वाले ने, मैं सबसे अपने दोस्तों और भाइयों से भी यही करूँगा कि आप जिस लेवल पर भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा करिए लेकिन जिस लेवल पर भी हैं कोशिश करिए आप कंट्रीब्यूट करिए इस संस्था को या जो भी जहाँ भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप उड़ान में करिए, कहीं भी करिए आपको लगता है लेकिन करना चाहिए। देखिए आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी पर्सन कि मेरे पास दो बेटियाँ हैं और आप पूछ भी सकते हैं, माई डॉटर्स आर जीनियस। और ये तो वक्त बताएगा आगे क्या है लेकिन फिलहाल तो टॉप हैं वो। और मैं तो चाहता हूँ आपको ब्रॉड माइंड रहना चाहिए, बेटी या बेटे से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि आप
कितना उनको अच्छा दे सकते हैं सर भी है ये स्कूल तो नो डाउट। देखिए स्कूल तो मैं कई बार सोचा भी, मैंने इस बार भी मैंने सोचा कि चलो मैं एंथनी प्रिपेयर करता हूँ या टीसा इंटरनेशनल को जाता हूँ, मेरे दोस्त ने भी बोला मुझे, लेकिन क्योंकि ये मैंने ग्रोथ देखी है इसकी। आप देखिए मैं जब शायद यहाँ जुड़ा हुआ हूँ जब आई थिंक 200 बच्चे थे उस टाइम, लेकिन इतना डिसिप्लिन इतनी मेहनत इन लोगों ने की है इस एरिए में, तो इनके बराबर कोई मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल है। आइदर एजुकेशन बेल टीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन इतना प्रॉपर है, तो आदमी क्यों जाएगा, बेहतरीन स्कूल है। यही पाँचवीं साल चल रहा है, कानपुर जा रहे थे, नंद की शादी थी या कुछ ड्यूज करने जा रहे थे, बस एक यहीं से बस में बैठ के ना सो, ये बस नहीं, पत्रकार गाड़ी थी छोटी सी, चाहे दो बच्चे थे, एक माए घर के से एक देवर था, ऐसे ही बस इतना याद है बस। फिर मैं 3 महीने कानपुर में होश आया था, बस बिल्कुल बर्बाद जब हो स्कूल वालों में बहुत सपोर्ट मिला स्कूल से, चारों बच्चे माए सी स्कूल में, पहला एडमिशन यही हुआ था, किराए पर रहते थे, भगवान दया थे मकान हो गए यहीं पे, लेकिन जब तक सपोर्ट मिला तब तक हम बहुत खुश हैं। ऐसे कार्यक्रम उड़ान एनजीओ की तरफ से और ये स्कूल के प्रबंधक जो महोदय हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। इनका ये कार्यक्रम है कि एक बच्ची की फीस ये पूरी साल के लिए माफ़ करेंगे, ऐसा इन्होंने एक टोकन सिस्टम रखा है जिस बच्ची का भी नाम निकलेगा, और दो बच्चियों की फीस के लिए अनिल जी हैं शायद उन्होंने चेक दे रखा है पूरी साल के लिए, जिम्मेदारी ली है, यानी बच्चियों को पढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये प्रशिक्षण चल रहा है, बच्चियों को बताए जा रहे हैं कराटे के गुण, इससे भी आत्मरक्षा के गुण बच्चे सीख सकते हैं, ये बहुत अच्छी पहल रहती है इनकी। ये शुरू से मैंने इनको देखा है, जब से मैं एक दो बार इनकी संस्था के माध्यम से आया हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे काम सोशल वर्किंग के लोग करते रहते हैं।